नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर फडणवीस ने मेयो मेडिकल के प्रमुखों से की चर्चा। मेयो मेडिकल में बढ़ाए 420 बेड, मामूली विवाद में तलवार से हमला। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। कोरोना को लेकर फडणवीस ने मेयो मेडिकल के प्रमुखों से की चर्चा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को शहर में कोविड संक्रमण की स्थिति व उपचार के संबंध में जानकारी लेते हुए मेयो व मेडिकल अस्पताल के अधिष्ठाता व अन्य अधिकारियों से चर्चा की। इसके बाद टीकाकरण केंद्रों का जायजा भी लिया। मेयो व मेडिकल अस्पतालों में मरीजों की संख्या, उपलब्ध सुविधा व अन्य स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। विधान परिषद सदस्य प्रविंदट के मेयो के अधिष्ठाता डॉक्टर अजय केवलिया, मेडिकल के अधिष्ठाता डॉक्टर सुधीर गुप्ता, डॉक्टर पीपी जोशी, डॉक्टर अविनाश गावंडे सहित अन्य उपस्थित थे। तो वही दूसरी ओर मेयो मेडिकल में बढ़ाए 420 बेड। नागपुर में बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण गंभीर परिस्थिति निर्माण हो गई है। इसे नियंत्रण में लाने के लिए पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने मेडिकल और मेयो में 420 बेड बढ़ाए हैं। इसमें से मेडिकल में 300 बेड और मेयो में 120 बेड शामिल है। बेड बढ़ने से मेडिकल की 900 बेड क्षमता हो गई है, जिसमें से 300 बेड आईसीयू के लिए है। मेयो में कुल 580 बेड हो गए हैं, इसमें से 137 बेड आईसीयू के लिए और 122 बेड वेंटिलेटर सहित है। इस बीच पालक मंत्री ने कोविड जांच के नतीजे जल्द मिले, इसके लिए वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख से स्क्रीपर फेलुदा की 4 मशीनें उपलब्ध कराने की मांग की है। हनुमान नगर परिसर में ईएसआईसी हॉस्पिटल का निरीक्षण कर वहां 140 कोविड बेड की व्यवस्था करने के लिए हॉस्पिटल को तत्काल अधिग्रहित करने के भी निर्देश दिए। अगले 2 दिन में इसे शुरू करने के भी आदेश दिए गए हैं। तो वही तीसरे और मामूली विवाद में तलवार से हमला। लेन देन के चलते नाश्ता विक्रेता पर 2 लोगों ने तलवार से हमला कर दिया, उसे जान से मारने का प्रयास किया। कलमना थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। वन देवी नगर निवासी चेतन उदिराम शाहू और संतोष उर्फ कुबड़ा यादव गुलशन नगर निवासी मित्र है, नाश्ता विक्रेता है। ईटा भट्टी चौक में वह इडली सांभर का ठेला लगाते हैं। कुछ माह पहले चेतन ने संतोष को कुछ रुपए उधार दिए थे, जो उसने वापस नहीं किए। चेतन ने कई बार उससे पैसे वापस मांगे, लेकिन संतोष बहाना बनाकर टालता रहा। आखिरकार शुक्रवार की शाम 4 बजे फिर चेतन संतोष से पैसे मांगने लगा। इस बार फिर दोनों में विवाद हुआ और संतोष ने अपने साथी सुमित उर्फ बबुआ यादव की मदद से चेतन पर तलवार से हमला कर उसे जान से मारने का प्रयास किया। गंभीर रूप से घायल चेतन को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। संतोष और सुमित के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।